माता दी, माँ का कवच की कहानी बता रही हूँ। कवच जरूर हमें पढ़ना चाहिए, कवच हमारा रक्षा करता है। जहाँ भी हम जाएं तो हमारी कवच रक्षा करता है, तो इसको माँ का कवच को जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं बता दूँ, आपको पढ़ के बता देती हूँ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री, यह देवी की नौ मूर्तियां हैं और यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर और बाराही भैंसे पर और रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर और अपना आसन जमाती हैं, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर, ध्यान से सुनना, और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परुष तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में बाराही देवी और नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी देवी मेरी रक्षा करे। दारुणी पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान सूर्य धारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार शब पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर और अजिता बाई ओर और पारजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्धोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे।
कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नाशिका में और चर्चिका ऊपर के होंट में, अमृत कला नीचे के होंट की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरु दंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नल कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खडंगनी और वरधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दाहिनी दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी मस्तक उंगलियों की रक्षा करें। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की और कुलेश्वरी देवी मेरी कुछ की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूल धारणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहे स्थान की और पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महा बला देवी दोनों जगहों की रक्षा करें। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों की पृष्ठ